we will do the third lecture of acid, base and salt. And this lecture mein what we are going to discuss? We are going to discuss the importance of pH. How the pH is very sensitive to plants and animals. Plants and animals mein kaise pH bahut sensitive hote hain. तो हम लोग अभी एसिड बेस के बारे में जहां तक पढ़े थे वो वीडियोस के लिंक्स आप लोग को नीचे मिल जाएंगे. वो लिंक पे क्लिक करो तो आप लोग पुराने वीडियोस देख पाओगे अगर आप फर्स्ट टाइम अभी एंटर किए हो तो. और आज का टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच. इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच. इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच. हाउ पीएच इफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच को कैसे इफेक्ट करता. तो देखो मैं 5 पॉइंट्स है तुम लोगों का 10 मिनट में कवर करती हूँ. तो तुम लोगों को ज्यादा मैं बोर नहीं करूंगी और तुम लोग भी ज्यादा बोर नहीं होंगे कि ये टॉपिक क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं. तो काउंटडाउन स्टार्ट. फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच आ जाता है. तुम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोगों का ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज क्या है. ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द पीएच रेंज. पीएच रेंज है 7 से लेके 7.4. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. इस फर्स्ट पॉइंट में ही आप लोगों को और पढ़ना है कि व्हाट इज एसिड रेन. एसिड रेन क्या होता है. रेन तो समझते हो बारिश. बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है उसमें एसिड भी आ रहा है. एसिड कहाँ से आ रहा है. तो एसिड रेन का मतलब हो गया रेन तो न्यूट्रल होना चाहिए. पानी बरसात का पानी न्यूट्रल होना चाहिए. लेकिन एसिड रेन जब हो जाता है तो रेन वाटर जो है रेन वाटर का पीएच कम हो जाता है. रेन वाटर पीएच डिक्रीजेस टू कितना 5.4. 7 से 5.4 हो गया तो काफी एसिडिक रेन हो गया. और बारिश जहां बारिश होगी जितनी होगी मॉन्यूमेंट्स खराब होंगे. ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बारिश का पानी जाके नदियों में जब जाएगा तो जो रिवर वाटर है रिवर वाटर को पीएच कम कर देगा. और रिवर वाटर का जैसे पीएच कम करेगा तो कौन प्रॉब्लम में आएगा. तो वो प्रॉब्लम में आएगा एक्वाटिक एनिमल्स. तो रिवर वाटर पीएच डिक्रीजेस रेन वाटर पीएच डिक्रीजेस टू 5.4. सो रिवर वाटर पीएच डिक्रीजेस इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ किसकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं. लाइफ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स को बहुत डेडली इफेक्ट कर देते हैं. बहुत बुरी तरह से वो अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते. उनको बहुत प्रॉब्लम होती है पीएच कम हो जाने से. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट. एसिड रेन क्यों होता है, ये तो आप लोग एनवायरमेंटल में पढ़ते हो. और एसिड रेन क्या होता है, जो पोल्यूशन हम लोगों का एटमोसफेयर में जो पोल्यूशन है व्हीकल का पोल्यूशन और इंडस्ट्रीज का जो भी पोल्यूशन है वो पोल्यूशन जो है ये गैसेज जो है कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो अगर बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं तो अल्टीमेटली पानी बन जाता है रेन वाटर का एसिडिक रेन. तो एसिडिक रेन आपको पढ़ना है क्या है कितना है ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को जो देखनी है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट एक डिस्कस करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में जब खाना खाते हैं तो वो माउथ से गुजर के इसोफेगस से जाके फूड पाइप से जाके सबसे पहले स्टमक में जाती है. कहाँ जाती है, स्टमक में. फूड पार्टिकल जाता है स्टमक में. स्टमक में 3 गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होती है. ठीक है, कितनी जूस प्रोड्यूस होती है, 3 गैस्ट्रिक जूस. एक हो गया स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के नाम हो गया स्टमक के भीतर कौन है गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब ये कभी HCl हर समय प्रोड्यूस होता ही रहता है. स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता ही रहता है. वो स्टमक की मीडियम को एसिड बनाता है. ठीक है, ताकि दूसरे जूस काम कर पाए पेप्सिन काम कर पाए. तो हमारा स्टमक में क्या रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एक तो एसिड रिलीज होता ही है. ऊपर से कभी कभी हम लोग अगर बहुत एसिड वाला फूड खा लिए हैं आज एसिड पूरी भी खा लिए हैं बहुत ऑयली फूड्स एंड सब ऐसे स्टफ्स खा लिए हैं जो बहुत एसिड करते हैं तो हमारे
बॉडी में, कभी तुम लोगों ने सुना भी होगा पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से कि बहुत एसिडिटी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, जी घबरा रहा है, तो व्हाट दिस वर्ड, इसका मतलब एसिडिटी हो गई है, क्योंकि बॉडी में एचसीएल तो था ही और एचसीएल के साथ हम लोगों ने कुछ ऐसा खाया जिसके कारण एसिडिटी बढ़ गई। तो यहाँ पर बॉडी एचसीएल का अगर बढ़ाना हो जाता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एसिडिटी बढ़ना से यहाँ पे पूरा इसोफेगस में जलन टाइप का होने लगता है। तो ऐसा क्या करेंगे कि उस एसिड को कट कर दें हम लोग, कुछ ऐसा पी जाओ ताकि एसिड कट हो जाए। तो ऐसा क्या चीज है जो एसिड को कम कर देगा, तो हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस एसिड को खत्म करने के लिए वी टेक एंटासिड, एंटासिड वेरी इंपॉर्टेंट, एंटासिड, एंटासिड मंगाओ जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी। तो एंटासिड का एग्जांपल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पूछ सकता है गिव एन एग्जांपल ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या what is antacid नहीं पूछेगा, पूछेगा what should we take when there is excess of acidity in our stomach, तो we should take antacid and give an example milk of magnesia तो है जिसमें हमारी body की वापिस से pH normal हो जाएगी और pH normal होना से आराम मिल जाएगा। तो ये हो गई human digestive system। अब तीसरा number आ जाता है teeth, tooth decay, tooth decay दांत टूटना। दांत क्यों टूटते हैं, रेगुलर ब्रश नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो रेगुलर ब्रश नहीं करने से क्या होता है, सुनो बात, खाना खाए रात को डिनर किए तो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, डिनर के बाद सो जाएंगे, मोबाइल देख लेंगे या कुछ इधर उधर देखेंगे बट ब्रश करना भूल जाते हैं। तो रात को जो हम लोग ब्रश नहीं करते उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फूड पार्टिकल जो हम लोगों ने खाया रात को, जो कुछ भी फूड पार्टिकल है, वो फूड पार्टिकल हम लोग के भीतर जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया फूड पार्टिकल को खाते हैं। क्या करते हैं, फूड पार्टिकल छोटे 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 इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो बैक्टीरिया खाता रहता है। खाने से बैक्टीरिया रिलीज करता है एक एसिड, खा के एक एसिड छोड़ता रहता है, एसिड छोड़ता रहता है, और उस एसिड से छोड़ने से हम लोगों का माउथ का टूथ एनामल का यहाँ पे सारा पीएच जो है कम हो जाता है, बहुत एसिडिक हो जाता है और उससे गम और टूथ का जड़ लूज हो जाता है। तो व्हाट हैपेंस, बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड व्हिच मेक्स दिस पीएच डिक्रीजेस, पीएच ऑफ द माउथ डिक्रीजेस, ठीक है। तो ऐसा क्या करेंगे ताकि एसिडिटी कम हो जाए, ब्रश। तो ब्रश में क्या है, ब्रश का जो पेस्ट है वो टूथपेस्ट इज अ बेस, ठीक है, कभी पढ़ के देखना टूथपेस्ट में क्या है बेस। तो टूथपेस्ट यूज करने से हम लोग की एसिडिटी कम हो जाती है। तो टूथ देखने में आपको जो पॉइंट्स रिमेम्बर करना है, सबसे पहले कि हार्डेस्ट सब्सटेंस हम लोग के बॉडी में, हार्डेस्ट सब्सटेंस हम लोग के बॉडी में कौन है, टूथ एनामल, टूथ एनामल जो बना है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है टूथ एनामल, ये आपको रिवाइज करना है। और एक चीज आपको जो रिवाइज करनी है हार्डेस्ट सब्सटेंस के बाद कि ब्रशिंग और टूथपेस्ट से क्या होता है, डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टूथ, टूथ का जो गम है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ से कम हो जाता है। तो ये पॉइंट, एसिड रेन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, टूथ डीके, आई बात समझ में। तीसरी बात, लास्ट बात आपको बचानी है, लास्ट बात बचानी है एंट स्टिंग। कोई चींटी काटती है या कोई कोई मकोड़ा टाइप की चीज होती है, वो जल रहा है जल रहा है जल रहा है, फूल गया और जल रहा है, तो जब है क्यों बोलते हैं, वो जो एंट है ना, एंट लाल जो ऐसी चींटी टाइप की आती है, वो एंट कुछ छोड़ के जल जाता है, चींटी डस्ट के कुछ छोड़ के जल जाता है, वो एसिड छोड़ के जाता है। कैसा एसिड छोड़ के जाता है, वो मीथानोइक एसिड छोड़ के जाता है, मीथानोइक एसिड छोड़ के जाता है। तो एसिड एसिड हो गया, एसिड जल रहा है, तो हम लोग उसमें अगर थोड़ा बेस डालेंगे तो मिट जाएगा एसिडिक, थोड़ा हम लोग का जलन कम हो जाएगा। तो बेस डालने का मतलब बेकिंग सोडा हम लोग के घर में तो इजीली अवेलेबल है,
बेकिंग सोडा, तो मिथानोइक एसिड रिलीज करता है। तो हम लोग कैसे बताएंगे रिलीफ क्या है? रिलीफ करने का एक ही साधन है बेकिंग सोडा, उससे काफी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। रिलीफ क्या है? बेकिंग सोडा। तो बस हो गया, आप लोग को पीएच सेंसिटिव के लिए इतने ही पॉइंट्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है बता दो, फिर रिवाइज कर लो कि ह्यूमन बॉडी का पीएच किस रेंज में काम करता है। एसिड रेन कब बोलते हैं हम लोग? जब रेन वाटर का पीएच 5.4 में आ जाता है। पीएच रिवर वाटर में जाएगा, रेन वाटर बरसात होके नदियों में जाएगा, रिवर वाटर का पीएच भी कम हो जाते हैं। बेचारे एक्वाटिक एनिमल फिश लोग बहुत डेडली इफेक्ट हो जाते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक में क्या प्रोड्यूस होता है? HCl। व्हेन देयर इज एक्सेस एसिडिटी, अगर हम लोग के बॉडी में एक्सेस एसिडिटी, वी आर इन वेरी पेन एंड इरिटेशन, इट कॉजेस वेरी पेन इरिटेशन, बहुत इरिटेशन होता है, जलन होता है। व्हाट वी शुड टेक टू रिड्यूस दैट एसिडिटी, कम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एंटासिड। गिवन एग्जांपल ऑफ एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। टूथ डीके क्या होता है? बैक्टीरिया फूड पार्टिकल खा के एसिड छोड़ते हैं, ठीक है। तो एसिड छोड़ते हैं, तो हम अगर रेगुलर ब्रश करें टूथपेस्ट यूज करके, टूथपेस्ट, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, दांत टूटने का हद बहुत कम हो जाएगा या दर्द भी कम होगा। और हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट से टूथ एनामल बना है पूरा। एंडस्ट्रिंग चींटी काटने से कौन सी क्या रिलीज होता है? मिथानोइक एसिड। कैसे होगा? बेकिंग सोडा डालो, ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो जाएगा, खत्म, इतना मिनट हुआ, देख लो फटाफट। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे सॉल्ट। क्या करेंगे? सॉल्ट, सॉल्ट पे जाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेट करते रहो सॉल्ट वाले वीडियोस का, यहाँ तक कंप्लीट करके रखो, सारा हो चुका है एसिड बेस का, नेक्स्ट सॉल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ये वीडियोस वो लोग भी देखें। कमेंट्स जरूर करो, कमेंट्स करने से और कुछ नहीं, मुझे पता लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है, मोटिवेशन मिलती है। ओके, चलो बाय बाय।